आज के समय में जहां महिलाएं स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ रही हैं, वहीं पहली महिला सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया जब 1236 में सिंहासन पर बैठी और वह अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम भी थी, लेकिन फिर भी वह एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहे थे। दरबारी जन भी उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिशों से प्रसन्न नहीं थे, इसलिए सन 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया। इसलिए रजिया के बारे में उस समय के इतिहासकार मिनाज सिराज ने अपने विचार व्यक्त किए हैं कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए और रानी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध जाता था। इसलिए वह पूछता है कि खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे हासिल क्या हुआ। इसका मतलब यह है कि रजिया एक महिला थी और इसके अंदर शासक बनने की शानदार खूबियां होने के बावजूद भी आखिर इसे क्या हासिल हुआ। तो आपके अनुसार स्त्रियों को शासक बनना इतना कठिन क्यों था?